तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज है 12 अक्टूबर, जो कि आज का दिन है मंगलवार, और हम जा रहे हैं, जो कि अभी सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, माँ दुर्गा जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही सुंदर मूर्ति है। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर रसमगुर जिले में बड़हट्टा गांव है, तो वहाँ पे वो माता विराजमान है। तो मैं अभी जबलपुर नेशनल हाईवे पे हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे मुझे वहाँ जाने में लगेंगे। तो वहाँ चल के मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी प्रतिमा है और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है गाइस। तो चलिए हम चलते हैं। ऐसा है कि आधे घंटे हो गए मुझे यहाँ पे रेलवे फाटक में खड़े हुए, तो मेरे पीछे काफ़ी लोग खड़े हैं और बहुत ही लेट हो गए हैं, जो कि अभी एक बज चुके हैं, और वहाँ जाने मुझे लगता है 1 घंटे और लगेंगे, क्योंकि ट्रेन कम से कम 4 निकल चुकी हैं यहाँ से और एक और आने वाली है। वो मेरे पीछे देख रहे हो, अभी जस्ट ये आई गई है। बहुत ही मुश्किल है भाई, अब देखो क्या होता है। गाइस कि मुझे 55 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लगी, तो मैं गोटे गांव पहुंच चुका हूं। मैंने सोचा कि चलो पानी पी के, यहां से बड़हट्टा लगभग 25 किलोमीटर और दूर है, पानी पी के फिर यहां से निकलता हूं। देख रहा हूं मेरे पीछे गोटे गांव है, गोटे गांव सिटी मार्केट है, जो मेन रोड पर है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं अब आगे। चुके हैं गोटे गांव से 15 किलोमीटर आगे, और बड़हट्टा यहां से लेफ्ट लेना पड़ेगा, आप जो सामने देख रहे हैं यहां से लेफ्ट लेना पड़ेगा, यहां से 7 किलोमीटर लगभग बड़हट्टा पड़ेगा, जहां पे माता रानी विराजमान है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं आगे। गाइस हम पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में, और ये रोड है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। साइड व्यू देखिए आप, बहुत ही सुंदर है। तो क्या मैं अकेला हूँ, तो आप देख ही सकते हो मैं सिंगल ही वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी रिक्की तो है गाइस, पर अभी रोड खाली है, तो मैंने सोचा कि बना दूँ वीडियो। तो रोड भी बहुत अच्छी है और बहुत प्यारा नज़ारा है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बड़हट्टा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ वो मूर्ति देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, और मुझे नहीं लगता था इतनी सारी भीड़ होगी। मैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्टैंड लगा हुआ है। एक छोटा सा गाँव है, मगर यहाँ काफ़ी दूर दूर से भोपाल इंदौर वगैरह दमोह बहुत जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए गाइस हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वो प्रतिमा जो हम देखने आए हैं माता रानी। तो गाइस ये देख रहे हैं एंट्रेंस है जाने के लिए, गांव में है मूर्ति, गांव में रखी हुई है मूर्ति। तो अभी यहां से भैया लोग कार लेके आ रहे हैं। तो भैया कहां से आप? अच्छा आप यहीं से हैं प्रॉपरली। तो भैया ये मूर्ति मतलब कहां पे, गांव में रखी है कि गांव के बाहर? ये गांव के अंदर रखी है, उसका मोहल्ला कहलाता है ये। अच्छा जी जी भैया, ये गाँव तो पहले द्वापर युग से फेमस है। गांव ये जो बड़हट्टा गांव है, इसका नाम पड़ा था राजा बैराट के नाम से, जो कि द्वापर युग से फेमस है। और अब जो पहचान हमारे गांव को नई जो मिली है, वो माता रानी की कृपा से मिली है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम उस कलाकार की कला को भी नमन करना चाहेंगे कि जिनके जिनके हाथों में वो शक्ति आई और जिनका वो डेडिकेशन रहा कि जिन्होंने माता के वो मूर्त रूप दिया, और माता साक्षात विराजमान हुई उस मूर्ति में। सो आई एम वेरी हैप्पी, और मेरी फैमिली, मेरा पूरा गांव आज गौरवान्वित हुआ है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और सारी जनता जनार्दन का भी आभारी हूँ, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है हमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, भैया ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बताया, और मैं भी ये चाहूँगा कि आप वीडियो के माध्यम से, आप भाई सोशल मीडिया के माध्यम से आप यहाँ आइए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरफुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी हेल्प करेंगे। भैया ने जैसे मुझे बहुत ही काफ़ी कुछ बताया यहाँ के बारे में, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी नाम है, ठीक राम अंकल। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बुजुर्ग हैं, मगर यहाँ माता रानी की सेवा देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं इनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि इतनी उम्र में तो आदमी आराम करता है, मगर ये देखिए यहाँ पे खड़ी हूँ चिलचिलाती धूप में। भाई यहीं से जाने का रास्ता, हाँ
मैंने सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे बहुत ही। शाम को तो मुझे मुश्किल लगता है कि बहुत ही देर में दर्शन हो पाते हैं माता रानी के, मगर अभी मैं सही टाइम पे आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़। मैं दिखा रहा हूँ माता रानी का जो एंट्रेंस गेट है ये सामने आपको दिख रहा है, चलिए हम चलते हैं आगे। हम सब लाइन पे लगे हैं क्योंकि नियम के अनुसार दूर से काफ़ी लोग आए हुए हैं तो स्वाभाविक बात हम लोग को लाइन में लगना पड़ेगा। और अभी तो कम भीड़ है, शाम को और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा कि दोपहर में एक पूरा सीट कवर कर लें। और बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, सच में दिल खुश हो गया माता रानी के दर्शन करने पे। आप भी आइए, अभी 3-4 दिन और बाकी हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने। बहुत ही प्यारा है नज़ारा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, गाँव के काफ़ी केयरफुल हैं और आपकी पूरी मदद करेंगे, बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। पूरी यहाँ पे आप पीछे देखिए काफ़ी जगह भी है बैठने के लिए भी है और बाहर भी आप गाड़ियों की पार्किंग बढ़ा चलो है। अभी तो दोपहर का टाइम है इसलिए कम भीड़ है, अभी शाम को तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आएगी, हमें तो मुश्किल ही जाएगा फोटो वगैरह लेना। आपको दिखाता हूँ माता रानी, हो चुकी है वीडियो कंप्लीट हमारी और बहुत ही अच्छा लगा। 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, मगर माता रानी के दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे दर्शन मिल गए और काफ़ी लोग को ही अच्छे तरीके से दर्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल टाइम पर ही मतलब आपको दर्शन करने दे रहे हैं, बिल्कुल कहीं मतलब कि आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मैं भी कहता हूँ जैसे कि ये माता रानी की वीडियो वायरल हुई है इसी तरह